तो ये देखिए आज की हमारा गार्डन। तो वो देखिए मम्मी ने उधर भी लगा दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे आर लग रहा है, लुक थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। टूट गया था बटरफ्लाई का, तो वही वीडियो है। और बस वो देखिए कितनी साइड हो गया है। मैंने यहाँ पर सैनिटाइजर पकड़ा है, मैं बनाई थी जो, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है वैसे। और ये देखिए फ्लावर, ये ऐसा है ना जैसे पौधों में डालेंगे ना तो हो जाएगा। इसका ढक्कन नहीं है मेरे पास, इसमें गुस्सा आता है। ये हमारा मिट्टू, ये ना फ़ोन से अभी डर रहा है क्योंकि इतने दिन हो गए अभी इसको फ़ोन नहीं दिखाई हूँ मैं, तो ये फ़ोन मुझे से भूल ही गया है, तो इसलिए वो डर रहा है फ़ोन से। मिट्टू ए बाबू इधर आ दे कुछ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंडे, और आप लोग को पता है कि मंडे को मेरा फास्ट होता है। और अभी मैं दोपहर से अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और अब मैं जा रही हूँ व्रत में खाने के लिए कुछ अपने लिए बनाने। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या बनाने जा रही हूँ जो व्रत में खाते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। हम लोग खाने जा रहे हैं चाय और सब्जी। ये व्रत वाली है, मैं और शगुन। शगुन देखो कितनी ज़्यादा चाय लेके आई है अपने लिए। कितनी ज़्यादा खाती हो? मैं पीती हूँ कितनी ज़्यादा। और ये देखिए मेरी है, और इसका गिलास भर के, गिलास भर के तो नहीं है कमी। हाँ ये देखो इसने पहले स्टार्ट कर दिया खाना, तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, खा लेते फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी मैं पी रही हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए आके। जो जो कोई व्रत हो या ना हो, और शगुन जो है खा के चली गई है, ये देखिए खाली प्लेट कर दी है इसने। और ये है नाइट का टाइम, और बच्चे जो है चाउमीन खा रहे थे, और फिर इसी के आगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो अभी हो चुकी है सुबह, और आज रात से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और सुबह थोड़ा तेज़ हो गई। ये देखो इतनी तेज़ हो रही मेरे घर के बाहर बारिश, ये सुबह का है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे मैंने एक बार जो साफ़ सफ़ाई कर दी थी, और मैंने नहा भी लिया था उसके बाद, मुझे ये पानी बारिश का था ना उसकी वजह से मुझे दोबारा से मतलब साफ़ करना पड़ रहा है। और नहा चुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहा के नहीं, मैं नहा के फिर मैंने सोचा इस पानी को तो हटा ही देते नहीं, बच्चे गिर जाते हैं। तो अभी ये कल के पड़े हुए थे कपड़े, तो मैं वही जा रही हूँ डालने छत पे। और वो देखो शगुन अभी छाता लेके, धूप निकली है और इसको छाता चाहिए, छाता लेके देख रही है। तो मैं अभी इनको कपड़े धूप में डालने जा रही हूँ छत पे, और छत पे चल रही है बहुत अच्छी हवा, बहुत, क्योंकि अभी सुबह से मौसम इतना ख़राब था, सुबह बारिश हो रही थी फिर उसके बाद धूप तो थी नहीं, अभी धूप निकली है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो मन कर रहा था छत पे बैठने का, लेकिन अभी धूप है तो नहीं बैठूंगी। और अभी मैं चलते हैं, देखते हैं खाना क्या बनाना है, तो वही खाना देखूंगी बनाने के लिए। और बच्चे कपड़े निकालते हैं, देखो बक्सा खुला ही छोड़ देते हैं, ये देखिए, ये देख तो कोई कीड़ा मकोड़ा घुस जाए। कपड़े निकाल के लेके चली जाएंगे लेकिन खुले ही पड़े हैं, जब ले जाना है तो खुले क्यों डालती हो? बोलो कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। बच्चों के मतलब डेली के कपड़े इसी में डाल देते हैं पहनने के लिए। अभी देखो 2-3 ही बजे होंगे, और बिस्तर का ये हाल कर देते हैं, बच्चे दिन भर बैठ के इधर उधर पूरा बिस्तर ख़राब कर देते हैं, और मुझे बार बार संभालना पड़ता है, तो वही मैं करती रहती हूँ, ये लोग लेकिन ख़राब करते जाते हैं। अभी बेड को मैंने कर दिया है देखो साफ एकदम, इतना ज़्यादा दिन भर बैठते उसी में फेंकते रहते हैं बिस्तर, कुछ सही लगता ही नहीं कि कब सही, चाहे जितना साफ़ करो गंदा ही रहेगा, हमेशा गंदा लगेगा। तो अभी मैंने कर दिया है बेड अपना साफ, और ये देखिए चद्दर का कलर कितना प्यारा लग रहा है, और ये रियल में इतना नहीं अच्छा लगता है जितना देखो इसमें बिछा हुआ, कितना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये।
तो अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ बाहर, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। अच्छा बाहर तो बंद है, और इस रूम को मैं दिखाती हूँ आपको, देखो क्या बनाया है हाल, कपड़े सब इधर उधर छत पर से आते हैं और यहाँ पूरा बच्चे गिराते रहते हैं, सब इधर उधर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, उनका बॉल बच्चों का, ये देखो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा ही रहता है हमेशा हर वक्त। और ये देखिए इनको मैं कहाँ पे डाल दूँ, ऐसे ही टंगे हैं बर्थडे से, क्या करें फेंक भी तो नहीं सकते, फेंक के क्या करेंगे, किसी का बर्थडे होगा देखेंगे तो दे देंगे, नहीं तो फिर एक साल चलेगा तो चलता ही रहेगा, चलेगा तो अच्छा ही, अच्छी ही बात है, चलेगा तो रख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और नहीं तो अगर किसी का बर्थडे होगा तो दे देंगे अगर कोई लेगा तो। नहा चुकी है और नहा के अपनी टी वी देख रही, टी वी देखने में लगी है, और इसके ऊपर जो ये लगा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो ये इसीलिए बनाया था, रुई का है, इतना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो तभी प्रशांत हो पाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम की रोटियाँ, और शाम को मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पास बैठो ना तो फिर वो पढ़ाई नहीं करते, इसलिए मैं सोची आज जल्दी ही बना लूँ। अरे आज नहीं डेली बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी बना लेती हूँ रोटी क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं इतने समय, इस वजह से फिर कुछ जल्दी ही करना होता है, इसी वजह से मैंने जो है जल्दी रोटी आज बना ली, और बना लो तब सही भी रहता है क्योंकि बच्चे कभी कब भूखे हो जाए किसी को पता नहीं चलता, इसलिए और रोटी सेकने के बाद फिर मैंने सोचा इसी समय किचन उचन साफ़ करके रख देते हैं फिर, क्योंकि अगर रात में साफ़ करते फिर सुबह को इतना ज़्यादा काम रहता है कि फिर जल्दी हो जाता है काम करने के लिए, अगर शाम का ही पड़ा रहता है फिर सुबह बहुत टाइम लगता है, तो इसी वजह शाम को ही काम पूरा किचन का ख़त्म कर दो तो सुबह बहुत सही रहता है, इसी वजह से मैं शाम को ही पूरा काम ख़त्म करके अधिकतर तो रख ही देती हूँ, फिर जब कभी टाइम नहीं रहता है तो नहीं रखती हूँ, लेकिन अधिकतर कोशिश करती हूँ कि मेरा शाम को ही काम ख़त्म। तन मैंने धुल दिए हैं शाम के, शाम का खाना मेरा हो गया है तैयार, और शाम का खाना मतलब मेरा सब्जी पक रही है और रोटी और चावल बना के रख दिया, आज जल्दी हो गया मेरा काम सारा, आज मैंने जल्दी पूरा काम ख़त्म कर। और ये देखिए आप लोगों को ये डिब्बे दिख रहे हैं एक तरफ से एक जैसे, मेरे किचन में एक जैसे डिब्बे, तो ये दही के डिब्बे हैं, दही आता है जैसे होटलों होटलों में आता है दही, तो मैं कभी बताऊंगी आप लोगों को ये कहाँ से लाई हूँ, क्या कैसे मैं मांग के लाई हूँ ये किसी से। तो काम मेरा रेडी हो गया, पूरा ख़त्म हो चुका है, बस सब्जी पक जाए रख दे फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आज मैंने जल्दी काम ख़त्म कर लिया, बहुत जल्दी आज ख़त्म कर लिया है। तो अभी बजे होंगे 9 या 9:30, अभी बच्चे पढ़ाई करके बैठे थे खेल रहे थे कुछ, तो फिर मैंने उनका थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।